कौन है दृशाचार्य जिसके साथ हुई करण देओल की शादी? सनी देओल के बेटे करण देओल इस वक्त अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की सालगिरह पर करण ने सगाई कर ली थी, लेकिन अभी तक उनके होने वाली पत्नी के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन अब सनी देओल की होने वाली बहू को लेकर कई सारी खबरें सामने आई है। दृशा आचार्य की पहचान सामने आने के बाद से हर कोई उनकी सच्चाई जानना चाहता है। दृशा जाने माने फिल्म डायरेक्टर बीमन रॉय की परपोती है। बीमन रॉय की आखिरी पिक्चर फिल्म बंदनी में धर्मेंद्र ने नूतन के एक तरफा प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। दृशा के माता पिता सुमित आचार्य और चीमू आचार्य दुबई में रहते हैं। दृशा की माँ चीमू, जो कि कथित तौर पर 1998 में दुबई चली गई थी, और वो पूर्व एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है, जो कि मध्य पूर्व की शीर्ष इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक प्रमोटर है। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार दिशा की मां के साथ नेशनल प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम किया करती है। आपको बता दें कि आखिर उनका देओल परिवार के साथ कैसा रिश्ता जुड़ा, तो करण और दिशा एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वो छोटे थे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने इसे अब शादी के लिए फैसला ले लिया। खबरों की माने तो जल्द ही दोनों अब शादी करके अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे, जहां पर उनका पूरा परिवार दे रहा है उनका साथ। नेक्स्ट साइन लाइफ की रिपोर्ट।